नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। प्रवासी महासंघ के द्वारा नोएडा के सेक्टर 33 में आगामी 16 मार्च को किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आज प्रवासी महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष होली मिलन समारोह को और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। वही कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह होली पर्यावरण को बचाते हुए फूलों से खेली जाएगी। इस होली मिलन का आयोजन नोएडा के सेक्टर 33 में 16 मार्च को 4 बजे से किया गया है। अभी जो प्रवासी महासंघ के द्वारा जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई होली मिलन को लेकर, किस तरीके की तैयारी की गई? प्रवासी महासंघ होली मिलन महोत्सव में समारोह जो करने जा रही है 16 मार्च सामुदायिक केंद्र सेक्टर 33 में, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसमें अच्छे व्यंजन है और इसमें अपने पूरे संगठन के लोगों को बुलाया गया है और लोगों को भी इसमें बुलाया गया है। रंजन कुमार, कोषाध्यक्ष प्रवासी महासंघ। होली मिलन समारोह, इस साल होली मिलन समारोह के आयोजन का समिति का अध्यक्ष हूँ मैं और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि नोएडा के जितने विशिष्ट संगठन हैं उनके सभी अतिथियों को, मुख्य लोगों को बुलाएं और एक नोएडा में जो सांस्कृतिक माहौल बन पड़ा है उसको और आगे बढ़ाएं। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, हम अपनी परंपराओं को और सुदृढ़ करें और सिर्फ प्रवासी महासंघ, सिर्फ हमारे प्रवासी महासंघ संगठन के सदस्यों को ही नहीं, नोएडा के विशिष्ट अतिथि गणमान्य को, सबको बुला के एक मंच पे बिना किसी स्पेशल तवज्जो दिए हुए सबको एक आम जन की भांति होली के रंग में रंगना चाहता है, सबको एक समरसता के रंग में रंगना चाहता है। अपराह्न 4 बजे से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पूर्वांचल के बहुत सारे मजे हुए सिंगर, मजे हुए आर्टिस्ट आएंगे, जिसमें सोनी झा, सपना सरगम, इसके अलावा और दो तीन, अरविंद राय जी, दो तीन और नए सिंगर्स आ रहे हैं जिनको हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मौका देंगे और वो अपने भोजपुरी और हिंदी गानों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। मैं प्रकाश सिंह, मीडिया प्रभारी तथा आईटी हेड प्रवासी महासंघ। इस बार की होली जो है आप देखेंगे कई रंगों में और कई तरीकों में बेहद खूबसूरत होने वाली है। प्रवासी महासंघ न केवल अपने नाम से जाना पहचाना जाता है बल्कि अपने अलग अलग कार्यों की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो हमारा होली महोत्सव है या होली मिलन समारोह, आप इसे जिस नाम से भी जाने, हमने बिल्कुल अलग तरीके से मनाने का फैसला किया है। हमने इसमें पर्यावरण का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने केवल और केवल फूलों से और गुलाल से और चंदन से होली खेलने का फैसला किया है। इसमें केवल प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है, हमने किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भोजन भी देखेंगे तो हम लोगों ने इसमें पूर्ण रूप से देसी जो भोजन है, जो होली में आमतौर पर हमारे यहाँ पूर्वांचल में प्रचलित भोजन है, उसी को हम लोगों ने महत्व दिया है, उसी चीज़ों को रखा है। अन्य चीज़ों में आप देखेंगे तो सांस्कृतिक, पूर्वांचल जो है ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा से, सदियों से इस चीज़ में लीड करती रही है पूरे भारतवर्ष को संस्कृति के मामले में और प्रकृति के मामले में भी। आप देखेंगे पूर्वांचल ने ही सबसे पहले होली को सेलिब्रेट किया और आज पूरी दुनिया होली खेलती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि पूर्वांचल ने, देखिए पूर्वांचल महासंघ प्रतिवर्ष होली महोत्सव आयोजित करता रहा है। प्रतिवर्ष न सिर्फ इसमें बिहार और पूर्वांचल के लोग जुड़े बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी, गणमान्य लोग भी जुड़ते चले गए, तो ये भीड़ तो बढ़ती ही जानी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इसी का नहीं बल्कि पूरी विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग शामिल हों। जेके न्यूज़ की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेके न्यूज़।